हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। लास्ट वीडियो वी हैड सीन अवर चैप्टर नंबर 4th एंड उसका जो रिवीजन है वो हम लोगों ने देखा था। अब आज के वीडियो में हम लोग अपना 5th वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, लाइन्स, पॉइंट्स, तो वो सब हम लोगों ने देखा था। तो लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो दो छोर पे ख़त्म हो जाए, यहाँ जो है दो एंड पॉइंट्स हों जिसके, तो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नाउ अगर हम लोग लाइन अगर देखते हैं तो लाइन का कोई भी जो है वो एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों छोर पे आगे के आगे बढ़ती ही जाती है। जबकि रे जो है तो वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड दूसरा जो है दूसरी छोर पर वो आगे के आगे बढ़ता ही जाएगा, यानी कि उसका कोई भी एंडिंग जो है वो नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो वो जो है वो एक छोर पे आगे के आगे बढ़ता ही जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रे। अब रे के ये जो है लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है कुछ एंगल्स देखे थे। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि सम जो है दो एंगल्स का, मेजर ऑफ टू एंगल्स का हम लोग मेजर करते हैं एंड उसका जो सम है वो 90 डिग्री आता है अगर, तो द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था, ये जो है वो 30 डिग्री वाला एंगल है, ये जो है वो 60 डिग्री वाला। इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो 90 डिग्री मिलता है, यानी कि ये जो दोनों एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। उससे अगर अपोजिट हम लोग जाएं तो ये एंगल अगर हम लोग देखें 65 डिग्री एंड 35 डिग्री, तो इन दोनों का सम करते हैं हम लोग तो हम लोगों को जो आंसर है वो मिलता है 100। तो ये जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, यानी कि जो दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स का सम हम लोग मेजर लेते हैं एंड मेजरमेंट के बाद उनका हम लोग सम करते हैं, तो वो जो है वो दोनों का सम हम लोगों के पास जो है मिलता है 90 डिग्री, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सच अ पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो व्हेन टू एंगल्स आर, ये जो एंगल है दोनों एंगल, तो उन दोनों एंगल का सम जो है वो मिलता है हम लोगों को 180 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम जो है वो हम लोगों को मिलेगा 180 डिग्री, तो उनका वो जो है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम जो है वो 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सम जो है वो 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट जो है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखी थी। दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो एंगल है उसकी कॉमन वर्टाइसिस होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है। दे हैव अ कॉमन आर्म। उनकी जो एक आर्म जो है, एक साइड जो है वो कॉमन होती है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो नॉन कॉमन आर्म होती है, एक हम लोगों के एंगल जो है उसमें टू आर्म्स होती हैं, तो जो है एक नॉन कॉमन आर्म होती है, एक कॉमन आर्म होगी, तो नॉन कॉमन आर्म जो है वो नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होगी, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म दूसरी साइड होगी। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। Adjacent angles have a common vertex and a common arm, but no common interior points. Next हम लोगों के पास है linear pair. तो linear pair हम लोग किसको बोलते हैं? Again यहाँ पे कुछ example जो है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग definition देखते हैं। A
A linear pair is a pair of adjacent angles. Linear pair जो है वो adjacent angles की pair है. Pair यानी कि दो angles मिलके one pair बनाते हैं. So a linear pair is a pair of adjacent angles. Adjacent angles यानी कि एक arm जो है वो common होगी. Whose non-common arm, common sides are opposite rays. ये जो है दो हम लोगों के पास पैर मिलेगी एंगल की एडजेसेंट एंगल्स मिलेंगे एंड जो नॉन कॉमन आर्म है यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो है वो कॉमन आर्म है ये दोनों जो है वो नॉन कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन साइड्स जो हैं वो अपोजिट रेज होंगे एक दूसरे के ये जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है जबकि ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है तो ये जो है वो लीनियर पैर है अगेन अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो है वो लीनियर पैर नहीं है क्यों क्योंकि इसमें ये कॉमन आर्म तो है लेकिन जो नॉन कॉमन साइड है वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं जाते हैं सो इसको हम लोग लीनियर पैर जो है वो नहीं बोलेंगे अगेन आप लोगों के पास जो एग्जांपल है लीनियर पैर के एक तो जो वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है तो वो हम लोगों के पास मिलता है लीनियर पैर वाला एंगल फिर पैन स्टैंड जो है लीनियर पैर वाला जो एंगल है वो बनता है अब नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखें तो वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं अभी अभी मैंने जो आप लोगों को बताया ये वाली तो ये लीनियर पैर की डेफिनेशन है इसको अंडरलाइन करके रखिए फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो ये जो है एंगल्स सच अ पैर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स तो इसमें हम लोगों के पास डेफिनेशन कहाँ से आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये जो है वो एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन है इसको भी आप लोग अंडरलाइन करके रखिए फिर नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास सप्लीमेंट्री एंगल्स तो उसके लिए आप लोगों को खुद से डेफिनेशन लिखनी होगी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 90 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए डेफिनेशन लिखी थी कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन है अब अगर हम लोगों को इसमें से सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन बनानी हो तो व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं तो उसके लिए भी अगेन हम लोगों के पास यहाँ पे डेफिनेशन है इसको भी अगेन आप लोग अंडरलाइन करके रखिए वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स So formed are equal. When two lines intersect, ये जो है ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे. The vertically opposite angles so formed vertically opposite. ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं तो उसका जो मेजर है वो सेम होता है एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल अब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है आप लोगों के पास एक्सरसाइज 5.1 तो वो हम लोगों ने देखी थी अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइंस तो लाइन की पैर तो उसके लिए हम लोगों के पास उसमें सब टॉपिक जो है वो पहले वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस तो लाइन जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एंड किस तरह से हम लोगों को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोगों के पास टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन तो दो लाइन जो हैं वो एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करती हैं तो जब वो दो लाइन इंटरसेक्ट के लिए उन दोनों में एक पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए यहाँ पे हम लोग ये जो हैं ये जो नेट वाला पिक्चर है उसमें आप लोग देख सकते हैं तो ये लाइन अगर हम लोग कंसिडर करें एंड ये लाइन जो हम लोग कंसिडर करें तो इसका जो है वो यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलता है यानी कि ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है नेक्स्ट है हम लोगों के पास ट्रांसवर्सल तो ट्रांसवर्सल हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करके रखिए अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स
two or more lines at distinct points is called a transversal. तो दो लाइन जो है, एक लाइन जो है वो किसी दो लाइन को या फिर दो से ज़्यादा लाइन को डिस्टिंक पॉइंट यानी कि डिफरेंट पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट, लेकिन ये जो है दो टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो दोनों पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये लाइन, ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक पॉइंट, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. यहाँ पे अगेन आप लोग क्लियरली पिक्चर जो है वो देख सकते हैं. तो ये जो है वो ट्रांसवर्सल है, जबकि ये जो है वो ट्रांसवर्सल नहीं है. क्यों? क्योंकि टू डिस्टिंग पॉइंट पे लाइन पी जो है वो ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन वन कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो इसको हम लोग ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते. नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. तो एंगल्स जो है ट्रांसवर्सल के थ्रू किस तरह से बनते हैं? तो हम लोगों के पास बहुत सारी टाइप्स है, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड पैर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ये जो है इंटीरियर एंगल हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये जो दो लाइंस है, जो लाइन एल एंड लाइन एम, इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी, यानी कि लाइन पी जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो इसके अंदरूनी वाला जो एंगल्स बनते हैं, जैसे एंगल 5, एंगल 6, एंगल्स 3 एंड एंगल 4, तो ये जो चारों एंगल है वो हम लोगों के पास हो गए इंटीरियर एंगल्स. ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं वो हम लोगों के पास हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो एंगल 1 एंड एंगल 5, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि डिफरेंट वर्टाइसेस होती हैं एंड सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के. हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंक्लूड डिफरेंट वर्टाइसेस. ये जो हैं यहाँ पे ये वर्टाइसेस हैं, इस एंगल के लिए ये वर्टाइसेस हैं. सो डिफरेंट वर्टाइसेस एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो है वो है, सो उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट जो है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं, अगेन जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक और टॉपिक है. ये जो है वो दो टॉपिक्स हम लोगों के पास हैं, डिफरेंट वर्टाइसेस आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड थर्ड वाला टॉपिक आर इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशंस रिलेटिव टू द टू लाइन्स. टू लाइन्स की करस्पॉन्डिंग पोजिशन, यहाँ पे हम लोगों के पास वो जो ट्रांसवर्सल है पीछे के पेज में हम लोगों ने जो देखा उसका डिटेल में सिंपल दिखाया गया है. एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो है वो वर्टाइसिस डिफरेंट हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं एंड पोजिशन जो है वो सेम करस्पॉन्डिंग पोजिशन से, यानी इसकी जो पोजिशन है सेम, इसकी भी पोजिशन हम लोगों के पास सेम साइड पे हम लोगों को मिल रही है. सेम वे नेक्स्ट जो है अल्टरनेट इंटीरियर्स, तो उसके लिए भी थ्री जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं. तो सबसे पहले वाली है हैव डिफरेंट वर्टाइसेस. सेम वे उसमें भी था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी हैव डिफरेंट वर्टाइसेस. आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. करस्पॉन्डिंग एंगल में सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल था, जबकि अल्टरनेट इंटीरियर में अपोजिट साइड ऑन द ट्रांसवर्सल होगा. एंड लाइज बिटवीन टू लाइन्स. ऑब्वियसली ये जो है वो टू लाइन्स के बीच में ही होगा, इंटीरियर है इसलिए टू लाइन के बीच में होगा. सो ये जो है वो दो लाइन के बीच में हम लोगों को मिलता है. एंगल 3 एंड एंगल 6 आर इन अल्टरनेट इंटीरियर्स. ऑल्सो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर्स. नेक्स्ट जो है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स.
तो वो हम लोग किसको बोलते हैं? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। टू पैरेलल लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल से कट होती हो एंड ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब यहाँ पे हम लोगों के पास जो है ट्रांसवर्सल, तो वो किसी भी दो लाइन के बीच में होता है, ये जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं है। जबकि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस टॉपिक का नेम ही है, तो इसका मतलब कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ट्रांसवर्सल जो है हम लोगों को मिलता है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उसके वो हम लोगों को इक्वल इन मेजर मिलते हैं। यानी कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल वन एंड एंगल टू, तो ये जो दोनों एंगल हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इन दोनों का मेजर जो है वो सेम होगा। एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स, तो दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनका जो मेजर ऑफ एंगल्स है वो भी सेम होगा। तो ये जो था वो था ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट जो है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उसके भी मेजर सेम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है उसका भी मेजर सेम होगा। यानी कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन बोथ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि सम जो है वो 180 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा, कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये जो है पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से कट होती है पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये जो है वो एक पैर मिल रहे हैं, ये जो है वो सॉरी ये जो है वो एक पैर, ये जो है वो दूसरे पैर, तो उनका जो सम होता है यानी कि एंगल वन प्लस एंगल एट हम लोग करें तो उसका जो सम होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल वन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एट, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम वे एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री प्लस एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सिक्स, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो आप लोगों को डिटेल में पिक्चराइज करके दिखाया गया है। नाउ चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, तो उसके लिए मेथड है व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। ट्रांसवर्सल जो है वो टू लाइंस को कट करता है, इधर पैरेलल लाइन और नॉट पैरेलल लाइन, तो उसमें से हम लोग पैरेलल लाइन किस तरह से चेकआउट करेंगे। सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट का हम लोग किसको बोलते हैं, तो हैव डिफरेंट वर्टाइसिस आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइज बिटवीन द टू लाइंस। तो ये जो है हम लोगों के पास यहाँ पे पिक्चराइज करके दिखाया गया है, ये जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उसका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो सेम होगा, तो जो लाइन है वो लाइंस हम लोगों को पैरेलल लाइंस जो है वो मिलती है। अब उसी के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास डिपेंडेंट है एक्सरसाइज 5.2, तो वो भी हम लोगों ने देखी थी। सेम वे अगर आप लोगों को ब्रीफ रिव्यू चाहिए तो ये जो है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये आप लोगों को पूरे चैप्टर का हार्ड पार्ट या तो फिर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देगा, तो वो आप लोग, मेरी ये राय है कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो आप लोगों को जो है वो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं याद रखने के लिए वो मिल जाएगी। थैंक यू।